फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। जी हाँ, वोकैबुलरी रिलेटेड टू चंद्रयान 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वर्ड इज इसरो। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेस से रिलेटेड रिसर्च करता है। इसरो की स्थापना 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके भारत में कुल 13 सेंटर है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत मंगल ग्रह पर पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला पहला देश है। द नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्च, मीन्स द एक्ट ऑफ सेंडिंग अ मिसाइल, स्पेस व्हीकल एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस। यानी एक मिसाइल, अंतरिक्ष वाहन और किसी अन्य वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने की क्रिया। द नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्चर, मीन्स अ डिवाइस दैट इज यूज टू सेंड अ सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट इनटू द एयर। यानी कि वह उपकरण जो एक उपग्रह या अंतरिक्ष यान को हवा में भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। डिवाइस का मतलब होता है उपकरण, एयर मीन्स हवा, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, रॉकेट एक ऐसा ही यान है जिससे उपग्रहों को छोड़ा जाता है। भारत के दो प्रमुख रॉकेट है PSLV और GSLV। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, ऑर्बिट, मीन्स द पाथ ऑफ द अर्थ और अदर प्लैनेट्स अराउंड द सन। अराउंड का हिंदी मतलब होता है चारों तरफ, अर्थ धरती, प्लैनेट ग्रह, पाथ रास्ता, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या अन्य ग्रह का रास्ता। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्बिटर, अ स्पेस क्राफ्ट दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट। यानी एक अंतरिक्ष यान जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है। अगला शब्द है लैंडर, मीन्स अ स्पेस क्राफ्ट डिजाइंड टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट और मून। सरफेस का मतलब होता है सतह, डिजाइंड यानी कि तैयार किया जाना। एक अंतरिक्ष यान जिसे चंद्रमा या किसी ग्रह की सतह पर उतरने के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रोवर, मीन्स इट इज लाइक अ रोबो कार दैट कैन मूव हियर एंड देयर। ये एक रोबो कार की तरह होता है जो यहाँ वहां घूम सकता है। द नेक्स्ट वर्ड इज लूनर मिशन, मीन्स मिशन लैंडिंग ऑन मून, चांद पर जाने का मिशन, थ्रस्ट मीन्स टू पुश समथिंग सडनली, अचानक से दबाव या झटका। द नेक्स्ट वर्ड इज डिविएशन, मीन्स टू गो इन अ डिफरेंट पाथ और डायरेक्शन, यानी कि अपने रास्ते या दिशा से भटक जाना, अलग दिशा में चले जाना। द नेक्स्ट वर्ड इज मीटियोर, मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक एटसेट्रा इन स्पेस, अंतरिक्ष में चट्टान आदि का छोटा टुकड़ा। अगला शब्द है क्रेटर्स एंड सरफेस, यानी गड्ढे और सतह।
हिस्टोरिकल वयाग, हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, वयाग मीन्स अ लॉन्ग जर्नी ट्रैवल बाय सी और इन स्पेस, यानी कि समुद्र और अंतरिक्ष से एक लंबी यात्रा। तो जो ये चंद्रयान 2 है ये हिस्टोरिकल वयाग है। अगला शब्द है सोलर एनर्जी, यानी कि सूरज से मिलने वाली ऊर्जा। जो रोवर चांद पर भेजा गया है उसमें सोलर प्लेट्स लगी हुई है, इनका काम रोवर के लिए एनर्जी कलेक्ट करना होगा। ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल। देखो ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। ग्रेविटी हमारे आसपास हर जगह है। अगर हम स्पेस में कुछ फेंकते हैं वो चीज़ वापस अर्थ पर आती है, वो भी ग्रेविटी की वजह से ही है। हमारी आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है थर्मल इमेज। देखो जो थर्मल इमेजिंग कैमरास होते हैं उन्हें रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ों के टेम्परेचर से चीज़ों का पता लगा लेते हैं। इन कैमरों में गर्म चीज़ें सफ़ेद नज़र आती है और ठंडी चीज़ें काली।